राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को एक भयानक मंजर देखने को मिला। जी हां, बस और ट्रेलर की भिड़ंत में 12 लोग जिंदा जल गए। जोधपुर नेशनल हाईवे पर एक रॉन्ग साइड से ट्रेलर आया और एक बस से जा भिड़ा। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये पूरी घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है, जहां पर जोधपुर नेशनल हाईवे पर बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पांडियावास गांव में संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने टक्कर के बाद बस और ट्रेलर में आग लग गई। इससे 12 लोग जिंदा जल गए। जिसने भी ये भयानक मंजर देखा वो सहम उठा। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। शुरुआत में 5 लोगों के मरने की खबर आई थी, लेकिन इसके बाद जिले के SP ने 7 और मौतों की पुष्टि कर दी, जिससे एक बच्ची भी शामिल है, और 40 घायलों को पास के नाहटा राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 13 को जोधपुर रेफर किया, और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सूचना के बाद पचपदरा, बालोतरा और रिफाइनरी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 दमकलों ने आधे घंटे में दोनों वाहनों में पानी की कतार लगाकर आग पर काबू पाया गया। इसके बाद बस में सफर कर रहे एक पैसेंजर ने बताया कि बालोतरा से जोधपुर बस जा रही थी, जिसमें 40 सवारियां बैठी थी। हाईवे पर ट्रेलर गलत साइड से आकर बस से भिड़ गया। आग इतनी तेज थी कि आग बुझाने के लिए तीनों दमकलों ने 2-2 फेरे लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया। उन्होंने मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और प्रशासन को राहत बसा और मुस्तैद रहने का निर्देश जारी किया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पचपदरा थाना अधिकारी प्रवीण डागा मौके पर पहुंच गए, तो SP दीपक भागर और जिला कलेक्टर लोकबंधु भी घटनास्थल पर पहुंच गए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई और पचपदरा MLA मदन प्रजापति मौके पर पहुंचे। उनके बाद घायलों को वहां से अस्पताल में भर्ती कराया गया। Oh.